हेलो गाइस, आज का ये वीडियो जो है हमारा सबसे तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। वो जो ब्रिकवर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपना किस रेट से लेंगे, कितने रुपए स्क्वायर फीट से लेंगे, इसकी फुल रेट एनालिसिस, फुल एस्टिमेशन मैं इस वीडियो में दिया हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समझाने की यहाँ तक कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा ब्रिकवर का ये सोची बाउंड्री वाल है, ये चार बाउंड्री करनी है, ठीक है, जिसकी हमारी लंबाई है 75 फीट, ये वाली साइड भी 75 फीट हो जाएगी, अंदर अंदर हमारा दूरी जो है वो है 50 फीट, ठीक है। तो और जो दीवार की थिकनेस है वो 9 इंची है, जिसको ये लिखा हुआ विथ ऑफ वॉल इक्वल टू 9 इंची बराबर 0.75 फीट, 9 इंची को फिट में कन्वर्ट किए हैं, 0.75 फीट आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम इस दीवार का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, रेक्टेंगल का वॉल्यूम हमारा एल इंटू बी इंटू एच होता है, दोनों साइड बराबर होता है, तो 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए, 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमारा है 75 रख दिए, ठीक। और उसके बाद हमारा आ गया चौड़ाई, चौड़ाई जो दीवार की मोटाई जो थी ये हमारी 0.75 फीट में यहाँ कन्वर्ट किए थे, वो डाल दिए, ठीक। फिर जो 10 है, 10 फीट हमारा दीवार का ऊंचाई है, जो यहाँ साइड एलिवेशन में दिखाया गया है, ठीक है, 10 फीट, ठीक है। एक ये दो से मल्टी एक दीवार का निकाले 75 × 0.75 × 10, एक दीवार का हो गया। अब एक सेम ऐसे इधर भी है, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का निकल गया, ठीक है। अब बात आ गई ये 50 फीट वाले दीवार की, तो 50 × 0.75 × 10 इसका भी कर दिए, 50 इसकी लंबाई, 0.75 इसकी मोटाई हो गई ये वाली, और इसकी हाइट जो है 10 फीट हमारी हो गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम निकालें तो हमारा 1875 CFT आ गया, ठीक। ये 1875 CFT हमारे ये चारों तरफ जो दीवार है 10 फीट तक जो ऊँची उठ रही है उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं ये CFT क्यूबिक फीट में निकला है। देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, MQ में बदल लेंगे। अब हम जानते हैं कि एक MQ में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। तो आपका 1875 क्यूबिक फीट है, अब 1875 क्यूबिक फीट को 35.3147 से भाग दे देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा MQ में निकल जाएगा, मीटर क्यूब में, तो 53 निकल के हमारा 53 मीटर क्यूब दीवार का हमारा वॉल्यूम आया, ठीक है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, या हम जानते भी हैं कि 1 MQ में जो हमारा नॉर्मल नॉन मॉड्यूलर जो ईंटा होता है, हम लोग साइड में यूज करते हैं, ईंटे भट्टे पे जो बनता है, उसका जो 1 MQ में होता है 460 ब्रिक्स आते हैं, ठीक है। अब हमारा 53 MQ के लिए कितना ब्रिक्स लगेंगे, जब हम जानते हैं 1 MQ में 460 ब्रिक्स लगते हैं, तो 53 MQ में 53 × 460 24,380, जो कि ऊपर सामने यहाँ लिखा हुआ है, जूम करेंगे समझ में आएगा। ये देखिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 MQ इक्वल टू 53 × 460, 24,380 हमारा ब्रिक्स लगा, ठीक। अब ब्रिक की क्वांटिटी हमको पता चल गई कि ये बाउंड्री वॉल करने में हमको ब्रिक कितना लग रहा है, ठीक है। ब्रिक की बात करते हैं, अगला हमारा जो स्टेप है साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, बिना मसाले के साथ ये जो ब्रिक्स आया हमारा, मसाले के साथ जो ब्रिकवर्क हो चुका है उसके बाद काम निकाले हैं कि 24,380 ब्रिक्स हमारा लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक ब्रिक का वॉल्यूम, जो साइज ब्रिक का जो साइज होता है हमारा 230 mm × 70 mm × 110 mm हमारा ब्रिक का साइज होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक जो नॉर्मल सोया बिना मसाले के साथ जो साइज होता है ये होता है 230, 70 और 110। अब एक ब्रिक का हम वॉल्यूम निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट, ठीक है। तो ब्रिक की लेंथ जो हो गई हमारा 230 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए 0.23, चौड़ा इसकी जो विथ हो गई वो हमारा 0.70 mm होता है, तो ये हो गया हमारा मीटर में, 70 mm होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए 0.070 मीटर में हो गया। वैसे ही हम इसकी हाइट को 110 mm होता है तो मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.11 हमारा हाइट हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को लंबाई चौड़ाई हाइट एल बी और एच तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.00177 आ गया, ठीक है। जैसे कि ये सामने देख रहे हैं, जूम करने पे ये जो है 0.00177 होगा, ठीक है।
अब ये जो ब्रिक का वॉल्यूम आया बिना मसाले के साथ आया, अब हम देखेंगे कि 24,380 जो ब्रिक्स निकल रहा था इसका वॉल्यूम कितना हो गया। 24,380 ब्रिक्स जो निकल रहा है इंटू 0.166 बिना मसाले के साथ, ठीक है। तो बिना मसाले के साथ मल्टीप्लाई कर लिए एक मिनट के वॉल्यूम के साथ, तो हमारा निकल गया 43.17 MMBPD। ये सिर्फ हमारा ब्रिक्स का वॉल्यूम है, ठीक है, मसाले का नहीं है। जो 43 आप लोगों के सामने दिख रहा है वो हमारा सिर्फ ब्रिक्स का वॉल्यूम है, ठीक है। अब ब्रिक्स हमारा लग गया 43.17 MQ, ठीक। अब इसमें टोटल हमारा वॉल्यूम जो है 53 MQ टोटल मसाले और ब्रिक के साथ दीवार का आया है, इसमें से हम ब्रिक का वॉल्यूम आ गया 43। अब जो क्या करेंगे क्वांटिटी, अब कितना मसाला लग रहा है, तो टोटल वॉल्यूम जो आया है 53, इसमें से हम लोग ब्रिक्स का वॉल्यूम जो है हमारा 43 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा मुर्दार मसाला ही तो बचेगा, सीमेंट और सेंट। तो हमारा माइनस कर दिया 53 माइनस 43.17, तो 9.82 MQ जो आया है हमारा सिर्फ ये मुर्दार लग रहा है 9.82 MQ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, जो मुर्दार होता है सीमेंट और सेंट, ये ड्राई के केस में कुछ अलग रहता है, और जब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी जो होती है कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग निकाले हैं ये हमारा ड्राई के वेट के केस में, गीले केस में ब्रिकवर्क के साथ। अब हम इसको मार्केट से तो हम लोग ड्राई के केस में परचेजिंग करते हैं, तो जब इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो जो मुर्दार होता है हमारा 33% तक इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मुर्दार 9.82 जो हमारा मुर्दार का वॉल्यूम आया था उसमें 0.33 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 13 MQ निकल गया। जब 33% बढ़ रहा था 1.33 से मल्टीप्लाई कर दिए हमारा 13 MQ निकल के आया मुर्दार, ठीक है। अब मुर्दार का रेशियो जो होता है, हम लोग ब्रिकवर्क में कौन सा यूज करते हैं, 1:6, 9 इंची ब्रिकवर्क में 1:6 हम लोग मुर्दार का रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम सीमेंट की और सेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, जो रेशियो हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारा नेक्स्ट होता है। सीमेंट हम कितना लगा, रेशियो जो था 1:6, मतलब सीमेंट और रेशियो सेंट, एक सीमेंट है और 6 हमारा सेंट है, ठीक है। तो हमारा सीमेंट का क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की बात आती है तो 1 कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, तो 1 अपर ऊपर रखेंगे और दोनों का सम ऑफ रेशियो 6+1=7, तो 1/7, 7 में एक सीमेंट लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 7 6 तसला बालू और 1 तसला आप सीमेंट डाल रहे हैं, तो कितना हो गया टोटल 7 तसला, 7 तसले में आपका सीमेंट कितना हो गया 1 तसला। तो 1/7 इंटू जो हमारा वॉल्यूम आया ड्राई वॉल्यूम निकल के सूखे केस में 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1440 जो होती है ये हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा क्वांटिटी आता है केजी में निकल के चला आता है, तो 1/7 × 13 × 1440 कर दिए तो हमारा निकल के आया 26,674 kg हमारा सीमेंट निकल के आया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, 50 से डिवाइड किए हैं, एक बोरी होता है हमारा 50 kg का होता है, 50 से डिवाइड कर दिए तो 53.4 bags हमारा सीमेंट निकल के आया, ठीक। सीमेंट के बाद बात करते हैं सेंट की, हमारी सेंट कितनी लग रही है। तो जैसे कि सीमेंट के बारे में मैंने बताया था कि सीमेंट हमारा कितना लग रहा था, 7 तसले में 1 तसला लग रहा था, वैसे जो सेंट है हमारा 7 तसले में 6 तसला लग रहा है, तो 6/7 × 13 जो हमारा वॉल्यूम था मुर्दार का तो मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 11.14 MQ हमारा निकल के आया। अब हमने बताया था कि 1 MQ में कितना सीएफटी होता है 35.3147, तो ठीक वैसे ही किए 35.3147 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 393 सीएफटी हमारा सेंड निकल गया है, ठीक है। सेंड के बाद सीमेंट निकल गया, सेंड निकल गया, अब हमारा क्या लगता है, अब हमारा लगता है लेबर मेसन इन सब की कॉस्टिंग कितनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैन पावर की, थोड़ा वीडियो को जूम करते हैं, ये देखिए ऊपर ये रेट एनालिसिस, टोटल वर्क डन बाई 1 mason and 2 labor इक्वल टू 550 kg, मतलब 1 mason और 2 labor की सहायता से हम लोग पूरे 8 घंटे में 550 bricks ये हम एवरेज लेके चले हैं ब्रिक वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। अब 550 bricks 1 mason और 2 labor जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमको टोटल ब्रिक वर्क कितना करना है 24,380, 24,380 करेंगे तो अगर 550 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मेसन कितना लगेंगे, 1 mason 550 bricks जोड़ता है, 24,380 ब्रिक्स को कितने मेसन जोड़ेंगे, तो 24,380 डिवाइडेड बाई 550
आया हमारा 44, मतलब 24,380 जो हमारा टोटल ब्रिक है, इसको ब्रिकवर्क करने में हमको 44 मेसन की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक मेसन के साथ हम लोग कितना लेबर लेके चले थे, तो एक मेसन के साथ हम लोग लेके चले थे टोटल 2 लेबर, ठीक है। तो 44 मेसन है, तो 44 मेसन के साथ हमारे पास 88 लेबर हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेबर इक्वल टू 44 मेसन हमारे के साथ हमारा जो लग रहा था 88 जो है हमारा टोटल लेबर लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है कॉस्टिंग की, ठीक, क्या किसका क्या रेट है, रेट के अकॉर्डिंग कितना होगा। अब देखिए, अब बात आती है एक जो मेसन होता है, एक मेसन रेट ऑफ वन मेसन इक्वल टू 600 पर डे, ये हमारे यूपी में, बिहार में, दिल्ली वाली साइड में भी यही रेट चलता है, ठीक है। तो एक मेसन का जो रेट है हमारा 600 रुपये पर डे 8 घंटे का लेता है, ठीक है। रेट ऑफ वन लेबर, एक लेबर हमारा 400 रुपया पर डे 8 घंटे का लेता है। वन बैग ऑफ सीमेंट, रेट ऑफ वन, एक बैग सीमेंट का कीमत 350 रुपये पर बैग है। ब्रिकवर्क रेट ऑफ वन सीएफटी सैंड, एक सीएफटी सैंड का, एक क्यूबिक फीट सैंड का कीमत होता है 45 रुपये पर सीएफटी, मार्केट में आसानी से हम लोग को अवेलेबल हो जाता है, ठीक। इसके बाद आती है हमारा सीमेंट के बाद सैंड 45 हो गया। इसके बाद रेट ऑफ वन ब्रिक्स होता है हमारा 7 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होता है वो मार्केट में आता है, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग करते हैं, अब कॉस्टिंग को देखा जाए, कॉस्ट ऑफ 44 मेसन, टोटल नंबर मेसन कितने रिक्वायर्ड थे हमको 44 मेसन इंटू 600, 600 रेट था, आएगा हमारा 26,400 सिर्फ मिस्त्री का चार्ज है मेसन का। उसके बाद बात करते हैं लेबर की, 88 लेबर थी, 88 लेबर का कॉस्ट था हमारा 400 पर लेबर का, 88 इंटू 400 आ गया अपना 35,200 हमारा लेबर कट आ गया। लेबर के बाद हमारा जो है सीमेंट कितना लग रहा था 53 पॉइंट, ये पीछे निकाला हुआ था 53.48 बैग्स। अब 53.48 बैग्स इंटू एक बैग के का जो कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 18,718 रुपये का हमारा सीमेंट लग रहा है, ठीक। उसके बाद सेंड की बात करें तो 393 फीट सेंड लग रहा था, तो 393 इंटू 45 हमारा 17,685 रुपये का सेंड लग गया, ठीक। सेंड के बाद देखते हैं हमारा ब्रिक्स का, तो 24,380 जो ब्रिक्स लग रहा था, एक ब्रिक की कीमत 7 रुपये है, तो उसके हिसाब से 170,660 रुपये का हमारा ब्रिक्स लग रहा है। अब टोटल कॉस्ट करते हैं, टोटल कॉस्ट जो आया जब इन सबको जब प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, तो हमारा आया 268,663 रुपये, ठीक। ये हमारा टोटल मैन पावर प्लस मटेरियल का जो कॉस्ट है। इसके बाद जो हमारा कॉस्ट आता है वो हमारा आता है वाटर चार्ज, पानी भी तो लगती है वर्क करने में, वाटर चार्ज हो गया, तो 1% जो है हमारा वाटर चार्ज लगता है। अब 268,663 का 1% 2,686 रुपये है, ठीक है। 10% जो लेके चलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, जो ठेकेदार काम करता है उसका प्रॉफिट, तो 10% जब इसका निकाला गया है तो हमारा आया 26,866 रुपये। अब टोटल कॉस्ट प्लस वाटर चार्ज प्लस कंट्रक्टर प्रॉफिट प्लस कर देने के बाद, तीनों को जोड़ देने के बाद हमारा 298,215 रुपये टोटल कॉस्टिंग निकल के आया है इस वर्क को करने में, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद जो होता है, अब रेट की बात करते हैं कि किस रेट से हम ठेका ले लें ब्रिक वर्क का, ठीक। अब रेट की बात करते हैं, तो जैसा कि पहले यहाँ पर मैंने निकाला था एरिया, ये हमारा टोटल ब्रिक वर्क का जो एरिया है, ये हमारा एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्रिक वर्क, टोटल कितने एरिया में हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो एरिया का होता है लंबाई गुणे हाइट, सॉरी यहाँ बी हो गया है, एल इंटू एच होता है, लंबाई गुणे हाइट, ठीक। लंबाई एल इंटू एच, ठीक है। तो लेंथ हमारा क्या है, 175 फीट का है, दूसरा हमारा 50 फीट का है, ठीक है। 175 फीट और दूसरा जो है हमारा 50 फीट का है। देखिए रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यहाँ हमारा वर्टिकल केस में है, तो लंबाई गुने हाइट हो जाएगी। तो दो, एक दीवार ये है, एक दीवार ऊपर वाली है, तो 2 × L × H कर दिए हैं, 75 फीट वाली, 75 हाइट है उसकी 10 फीट, 75 × 10 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक। जो अपोजिट वाला सामने वाली उसके लिए 2 × 50 फीट की दीवार है, 10 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। तो टोटल जो अगर एरिया निकल के आया 2500 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आया। अब 2500 स्क्वायर फीट एरिया को ब्रिकवर्क करने के लिए जो हमारा कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था 298,215 रुपये, ठीक है। 298,215 रुपये हमारा कॉस्ट निकल के आ रहा था, ठीक, 2500 स्क्वायर फीट एरिया को ब्रिकवर्क करने के लिए। अब रेट एज पर स्क्वायर फीट, अब स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हम किस रेट से लें, टोटल कॉस्ट हमारा, तो इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपन टोटल एरिया,
टोटल कॉस्ट जो हमारा आया 298,215 हमारा टोटल कॉस्ट आया, ठीक है, 298,215 जो है हमारा टोटल कॉस्ट आया। अब टोटल कॉस्ट अपन टोटल एरिया हमारा 2500 स्क्वायर फीट है, तो जब डिवाइड कर दिया गया तो हमारा 119.28 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा ब्रिकवर्क का रेट निकल गया। इसको नियरली इक्वल टू 120 रुपये स्क्वायर फीट से हम ब्रिकवर्क का ठेका ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा और कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं है। कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट, वाटर चार्ज प्लस मटेरियल का कॉस्ट जो है हमारा सारा निकल के आ जा रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, कोई भी एस्टिमेशन हो आप कमेंट में बता सकते हैं, जो भी चाहिए उसके लिए मैं नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।